मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। कला श्रृंखला का यह 21वां अंक प्रस्तुत है और आज हम जानेंगे भारतीय लघु चित्रकला की जैन शैली के बारे में। मित्रों, हम लगातार टीजीटी पीजीटी सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक पर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सामग्री 10-15 मिनट के वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। कई किताबों और पिछले वर्षों में आए प्रश्नों को ध्यान में रखकर काफी मेहनत से एक छोटी सी वीडियो तैयार होती है, जिसे आप बार बार सुनकर संबंधित टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब जानते हैं भारतीय लघु चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली जैन शैली के बारे में। भारत में लघु चित्रकला यानी पोथी चित्रकला को 3 भागों में पाल, जैन और अपभ्रंश शैली के रूप में जाना जाता है। इन्हें मध्यकालीन चित्रकला भी कहते हैं। मध्यकालीन चित्रकला को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला पूर्व मध्यकाल, जिसका समय 700 से 1000 ईस्वी, और दूसरा उत्तर मध्यकाल, जिसका समय 1000 से 1600 ईस्वी के मध्य माना गया है। जैन शैली का समय 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी का माना जाता है। इस शैली में जैन धर्म से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया गया है। लघु आकार में चित्रित जैन शैली को गुजरात शैली, पोथी शैली और पश्चिमी शैली के नाम से जाना जाता है। चित्रकला की पश्चिम भारतीय शैली यानी जैन शैली गुजरात, राजस्थान और मालवा क्षेत्रों में प्रचलित थी। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली नाम दिया डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और लामा तारानाथ ने, जबकि गुजरात शैली का नाम चमनलाल मेहता ने दिया। जैन शैली का प्रारंभ सित्तुनवासल की गुफाओं से माना जाता है, क्योंकि सित्तुनवासल की गुफाओं में 5 जैन मूर्तियां प्राप्त हुईं, जो 7वीं शताब्दी के पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन काल की हैं। शुरुआत में इस शैली के चित्र ताड़पत्रों और वस्तुओं पर बनाए गए, किंतु बाद में कागज पर बनने लगे। भारतीय चित्रकलाओं में पहली बार लघु चित्रकला कागज पर जैन शैली में ही बनाई गई। 12वीं शताब्दी के बाद जैन चित्रकला शैली शिथिल पड़ गई, क्योंकि मुगल व राजपूत शैली का विकास होने लगा था और जैन शैली पर मुगल और ईरानी कला का भी प्रभाव पड़ने लगा। मित्रों आइए अब जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित टू द पॉइंट। जैन शैली का प्रथम प्रमाण सित्तुनवासल की गुफाओं को माना जाता है। यहाँ 5 जैन संतों की आकृतियां प्राप्त हुई। भारतीय चित्रकलाओं में पहली बार लघु चित्र कागज पर जैन शैली में ही बनाए गए। इस शैली में अधिकतर पीले रंग का प्रयोग किया गया है। जैन शैली में चित्रित मानव आकृतियां खिलौने जैसी बनी हैं। जैन शैली की प्रमुख विशेषता चित्रों में बड़ी बड़ी परवल जैसी आंखों को नाक से कान तक बनाया गया है। जैन तीर्थंकरों के चित्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, जैसे महावीर की आकृति में पीला रंग, पाशुरनाथ की आकृति में नीला, नेमिनाथ की आकृति में काला और ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। जैन शैली की रेखाएं कोणात्मक एवं ज्यामिति आकार की हैं। जैन शैली में नारी चित्रण बहुत कम हुआ है। जैन शैली के चित्रों में चेहरे 1 चश्म, 1.5 चश्म और 1.25 चश्म के बनाए गए हैं। जैन धर्म की अनेक पोथियां 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य लिखी गईं। ताड़पत्रों पर अंकित कल्पसूत्र कालिकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पाशुरनाथ, नेमिनाथ, महावीर और ऋषभनाथ आदि जैन मुनियों के चित्र बनाए गए हैं।
जैन चित्रित ग्रंथों में सबसे प्राचीन श्वेतांबर जैन संप्रदाय का ग्रंथ निशीथ चूर्ण है, जो ताड़ पत्रों पर चित्रित किया गया है और जिसकी रचना है 1100 ईस्वी की। बसंत विलास को कागज पर चित्रित किया गया है। इसकी एक प्रति अहमदाबाद में मिली है, जो सूती कपड़े पर चित्रित की गई है। कल्पसूत्र को 1465 ईस्वी में जौनपुर में लिखा गया। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे भारतीय चित्रकला की अपभ्रंश शैली के बारे में। मित्रों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी सफलता की कामना करते हुए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।